तो मुंडका अग्निकांड ने अपने पीछे दर्द का ऐसा सैलाब छोड़ दिया है जो कई परिवारों को जिंदगी भर रुलाता रहेगा। जिन्होंने अपनों को खोया है उनकी आंखों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। अपनों की तलाश में लोग भटक रहे हैं, शवों की पहचान करना तक मुश्किल है। यकीन मानिए, इस अग्निकांड की एक एक तस्वीर आपको रुला देगी। ये रिपोर्ट देखिए। हमारा बच्चा दे दो भैया, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारा बच्चा दे दो, वही मेरा सहारा था। साढ़े 11-12 बज गया था हम लोग यहाँ, रात के कोई पता नहीं चला, मैं अम्बेडकर हॉस्पिटल पहुंचा, उन्होंने कहा कि 3 गाड़ी आने वाली है, वहां पे मैं रात को 10 बजे तक रहा, कोई गाड़ी नहीं पहुंची। ऐसे ही आंसुओं का सागर बह रहा है दिल्ली के संजय गांधी अस्पताल। कई ऐसे परिवार हैं जो शुक्रवार की रात से ही यहाँ इसी परिसर में जहाँ तहाँ पड़े हैं, अपने लोगों को खोजने के लिए अड़े हैं। कोई अपने बेटे को खोज रहा है, कोई अपनी माँ को, कोई अपनी मौसी को, तो कोई अपने मामा को खोजने के लिए आया है। लेकिन नहीं है जवाब इस पूरे परिसर में किसी के पास कि आखिर कहाँ है उनके लोग, कैसा है उनका हाल। कोई तो सुध दे दे, कोई तो बता दे एक माँ को कि उनका लाडला कहाँ है, कहाँ है उनके जिगर का टुकड़ा जो उनके लिए 2 जून की रोटी कमाने जाता था, परिवार की जिम्मेदारियां उठाने पहुंचता था। ये विशाल की माँ है, इनको अपने बेटे की तलाश है। वो मुंडका के उसी बिल्डिंग में पैकिंग का काम करता था। कि आपका लड़का 2 मंजिल से कूद गया है। हाँ, तो टूटा फटा सही सलामत चाहिए ना कहीं। अच्छा, उसके बाद आप वहाँ पहुँची। लेकिन वहाँ फिर यहाँ आए डायरेक्ट, हम 11:30-12 बजे गए यहाँ से। अच्छा, यहाँ आई तो यहाँ फिर जानकारी कोई नहीं मिली। नहीं, हमारा बच्चा दे दो भैया, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारा बच्चा दे दो, वही मेरा सहारा था। इसी बच्चे पर परिवार की जिम्मेदारियां थी। विशाल के पिता आग की खबर मिलते ही भागते भागते पहुंचे, लेकिन उन्हें वहां विशाल नहीं मिला, कोई खबर नहीं मिली। बोला आग लग गया उसमें, तो हमने किसी ने बोला आग लगा, तो हम लोग भागे भागे रात में गए। जाने के बाद तो धुआं धुकुर बहुत था, वहां पता किया गया तो फिर करीब 9:30-9 बजे का लगभग कोई गिरा होगा, पड़ा होगा, फिर से आया, ये क्या कहते हैं, एम्बुलेंस आया, उठा उठा के ले गया। पता करने में मालूम पड़ा कि सब लोग गया यहाँ। रात को हम लोग 11:30 बजे गए। के वादों की सत्यता और परिजनों के दावों की जांच की जा सके। मुंडका हादसे में अब तक 27 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, वहीं कई लोग घायल हैं, कई लोग लापता भी हैं, और उन लापता लोगों की तलाश में उनके परिजन दर दर भटक रहे हैं, पूरे दिल्ली भर की खाक छान रहे हैं, एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल भटक रहे हैं, ये जानने की कोशिश में कि हो सकता है कोई सुराग उनके परिजनों के बारे में उन्हें मिल जाए। कहें आपसे, कितना कहें आपसे। अब देखिए गीता चौहान के पति का हाल, पैरालिसिस है, 35 साल की थी गीता, वहीं घर चलाती थी, इनको भी कोई खबर नहीं मिल रही है। गीता के पति कह रहे हैं कि गेट बंद कर दिया गया, इसकी वजह से कई लोगों की जान चली गई। मेरी वाइफ वहाँ पे काम करती थी। क्या नाम था उनका? गीता चौहान, 45 एज। और कल जब मुझे सूचना मिली कि फैक्ट्री में आग लगी है, तो मैं वहाँ पहुँचा तो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ ऑलरेडी वहाँ पे लगी हुई थी जो कि आग बुझा रही थी। मेरे सामने वहाँ से कम भी 7-8 एम्बुलेंसें निकली हैं हॉस्पिटल के लिए,
जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा तो ऑलरेडी एक गाड़ी यहां पहुंची थी, बाकी गाड़ियों का पता नहीं। फिर मैं अंबेडकर हॉस्पिटल पहुंचा, उन्होंने कहा कि तीन गाड़ी आने वाली है, वहां पे मैं रात को 10 बजे तक रहा, कोई गाड़ी नहीं पहुंची। ये पूरा हाल है राजधानी के मुंडका में हुए अग्निकांड का, ये हाल है बेहाल परिजनों का, ये हाल है सिस्टम का। कोई नहीं सुन रहा, कोई नहीं बता रहा। कुछ डेड बॉडीज हैं जिनकी पहचान के लिए परिजनों को भेजा गया है, लेकिन बीतते वक्त के साथ परिजनों का दिल बैठा जा रहा है। कई बॉडीज तो इतनी चल गई हैं जिसे देखकर पहचान कर पाना भी मुश्किल है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।